भाई आपने पेस देखी है आज इनकी, अग्रेशन पूरा पेस में अग्रेशन दिख रहा है। हारिस रॉफ की एवरेज पेस 90 माइल्स पर आवर है, कितनी 90 माइल्स पर आवर, आप 80 भी करा लो ना अगर तो बड़ी बात हो जाती है, 85 तक हमारे भी कराते हैं, बुमराह करा लेते हैं, सिराज डाल लेते हैं, बट 90 माइल्स पर आवर 5 ओवर 6 ओवर लगातार करना और पेस ना गिरना, ये है दहशत। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को देखिए, आप पहला ओवर अगर आप जाके देखेंगे ना, उसने बिल्कुल वही गेंदें डाली हैं जो आपको दिक्कत देती है, इसमें मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बॉल पूरी ऊपर, फुल लेंथ डिलीवरीज, यॉर्कर लेंथ थी, सीधी पैर पे आती हुई, सीधी पैर पे आती हुई राइट हैंड बैटर के लिए, बिटवीन द विकेट्स प्रॉपर। जी दोस्तों, सुना आपने और आगे भी आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय मीडिया सख्ते में जा चुका है और तरीक वो जो दुश्मन करे, पाकिस्तानी बॉलर तरीक साज तेज बॉलिंग करके अफगान टीम को हराने के साथ साथ अपने मुखालिफ भारत बल्कि तमाम एशियाई टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। और रही सही कसर भारतीय मीडिया खुद अपने बॉलर्स को कोसता और पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ खुद पर तारी करवाता नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ की तबाहकुन और स्पीडी बॉलिंग ने अफगानियों को तिगनी का नाश निशवा दिया, वो समझ ही नहीं पाए कि तेज़ बॉलिंग का तूफान बाबर आजम ने उन पर छोड़ा और वो पूरी अफगानी टीम को अपनी लपेट में ले गया। इसी तूफान की दास्तान आपको भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन ऑन लाइन तो भाई, अब शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, जो आज इन्होंने बॉलिंग करी है, ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपके लिए, कोई भी गलतफहमी मत रह पालना आप। और आज जो मैंने बॉलिंग देखी है, अगर मैं दिल पे हाथ रख के बताऊं, शुभमन गिल ने अभी इनके साथ में खेला नहीं है, मैं चाहता हूं शुभमन बहुत बढ़िया खेले, राइट को बाहर रखूं, ओवरऑल पाकिस्तान की इस बॉलिंग और इंडिया की जीत के बीच, मतलब पाकिस्तान की जीत इंडिया की जीत, यहां पर बीच में एक ही आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है विराट कोहली, इन तीन को अगर कोई ढंग से हैंडल जिसने पिछले थोड़े टाइम में करा है कंसिस्टेंटली, उसका नाम है विराट कोहली। शादाब 6 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। हारिस रऊफ 4 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। नसीम 3 मैच खेल चुका है विराट कोहली के सामने, एक बार आउट नहीं करा। पर शाहीन ने एक बार आउट करा है 50 रन बनाने के बाद, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, 50 मारने के बाद आपने आउट कर दिया और डेथ ओवर्स में, वो यूएई वाले वर्ल्ड कप में कुछ नहीं। बट नसीम, इन अगर सब में से देखो ना, जो इनका सबसे छोटा बॉलर है मतलब उम्र में, नसीम ने एशिया कप में आउट कर लिया था, ऑलमोस्ट कैच छूट गई स्लिप में। बाकी रोहित शर्मा को हारिस रऊफ 3 मैच में 2 बार आउट कर चुका है। आज हम जो इतने दिन से मैं आपको बैटिंग इंडिया की और बॉलिंग पाकिस्तान की कंपैरिजन सुना रहा हूं, वो हवा में नहीं सुना रहा हूं, उसका कोई मतलब है। और आज ये प्रूफ मिल रहा है आपको कि ये तगड़े आ रहे हैं बॉस, ये पूरी रिदम में आ रहे हैं। जैसे बाबर आजम ने कल कहा था, बाबर ने बिल्कुल कहा है कि हमारे बॉलर्स लीग खेल रहे थे, T20 लीग खेल रहे थे, मगर तैयारी एशिया कप वर्ल्ड कप की कर रहे थे, नेट्स में 10-10 9-9 ओवर डाल रहे थे। आपके बॉलर कौन है मुझे बताओ जो 10 ओवर डाल ले या 5 ओवर लगातार डाल ले और इतनी पेस मेंटेन कर ले? कोई नहीं, शायद सिराज आप खेल सकते हो, उसके अलावा जो 5 ओवर लगातार डाले और 90 माइल्स पर आवर से उसकी पेस नीचे ना आए, कोई है ऐसा? ट्रंप कार्ड पाकिस्तान का हमेशा से उनकी बॉलिंग रही है, अरे खुशी मना रहे हैं। ईमानदारी की बात करूंगा भाई, बुरा मत मानना कोई, श्रेयस अय्यर के सामने स्पिनर आजा लपेट देगा, नो डाउट अबाउट इट। श्रेयस अय्यर के सामने बाउंसर आ जाए, ये पेस पे बाउंसर आए, आर यू कॉन्फिडेंट? स्पेशली जब इंजरी के बाद 1 साल के बाद आ रहा है, टेल मी ऑनेस्टली आर यू कॉन्फिडेंट? वो भी एक नहीं दो नहीं तीन बंदे लगातार डाल सकते हैं, शाहीन की शॉर्ट बॉल, नहीं तो नसीम की शॉर्ट बॉल, नहीं तो हारिस जो तो सबसे तेज हारिस 145 माइल्स मतलब 145 किलोमीटर पर आवर, 90 माइल्स पर आवर एवरेज। उसके बाद नसीम 142 किलोमीटर पर आवर एवरेज, उसके बाद शाहीन 140 किलोमीटर पर आवर एवरेज। अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन देखो ना, तो इनके बॉलर्स ने आपको दिक्कतें दी हैं हाल फिलहाल में, और ये इनको ही नहीं सभी को देने, जैसे अफगानिस्तान को दिया, श्रीलंका को जैसे भी टेस्ट सीरीज में देकर आए, आप T20 लीग विश्व भर देख लो, बैटिंग में लक्षित वही बात है, बैटिंग में आप बहुत आगे हो, बॉलिंग में आपके बॉलर्स भी